Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. We all know festive season is around the corner, तो अब आपको मेरे चैनल पर काफी सारा festive content देखने को मिलेगा. So in case अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल प्रियंका नेगी. बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो डालू आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. नाउ टॉकिंग अबाउट टूडेज वीडियो, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 4 बेस्ट फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट्स जो मैंने परचेज किए हैं मिंत्रा एंड मीशो से. यू गाइज गोना लव दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर तरीके के कुर्ता सेट्स दिखाऊंगी. अगर आपको सिंपल सूट पहनना पसंद है तो आपके लिए भी मेरे पास कुर्ता सेट है. अगर आप न्यूली मैरिड हो देन आई हैव अ कुर्ता सेट फॉर यू एज वेल. एंड इफ यू आर समवन जिसे थोड़ा सा ट्रेंडी और यू नो स्टाइलिश एथनिक वेयर पहनना पसंद है देन आई हैव अ कुर्ता सेट फॉर यू टू. सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. प्लस नॉट ओनली आई एम गोना शो यू दीज कुर्ता सेट्स, आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टाइल दीज कुर्ता सेट्स फॉर यू पीपल सो दैट आपको आइडिया हो कि आप इसे किस तरीके के फुटवेयर्स के साथ पहन सकते हो, किस तरीके से एक्सेसराइज कर सकते हो. Now let's not waste any time and quickly start with festive wear kurta sets try on haul video. तो सबसे पहले है ये कुर्ता, ब्लू एंड व्हाइट कलर का ये कुर्ता है. इसमें आपको वी नेक मिलती है, 3/4 स्लीव्स इसमें आपको मिलते हैं एंड इट्स अ वेरी प्रिटी फ्लोई कुर्ता. इस कुर्ते के साथ आपको मिलती हैं ये सिंपल सी व्हाइट कलर की पैंट्स, फुली इलास्टिक वेस्ट बैंड भी आपको इन पैंट्स में मिलता है. इस कुर्ता सेट को मैंने एक्सेसराइज किया है इन सिंपल से इयररिंग्स के साथ. राधा कृष्ण जी बने हुए हैं इन इयररिंग्स में और मैंने ये ऑक्सीडाइज्ड एडजस्टेबल रिंग पहन ली है. इयररिंग्स और रिंग दोनों ही मैंने मीशो से ही परचेज किए हुए हैं. देन मैंने अपनी ऑफ व्हाइट कलर की बेलीज इनके साथ पहन ली है. ये बेलीज मैंने अमेजोन से परचेज की है एंड दीज बेलीज आर वेरी वर्सटाइल. अगर आप मेरी पास्ट में भी एथनिक वेयर हॉल वीडियोस देखोगे तो उनमें भी आपको दिखेगा कि ये काफी सारे कुर्ता सेट्स के साथ मैंने इन्हें स्टाइल किया हुआ है बेलीज को. सो दे आर वेरी वर्सटाइल एंड आई हाईली रेकमेंड यू पीपल टू गो फॉर समथिंग लाइक दिस. इस कलर की जो बेलीज होती हैं वो काफी चल भी जाएंगी, प्लस ऑलमोस्ट हर एक एथनिक वेयर के साथ आपके अच्छी भी लगेंगी. तो ये रहा मेरा कंप्लीट लुक. इट्स सिंपल येट एलिगेंट एंड दिस कुर्ता सेट इज परफेक्ट फॉर एनीवन हु लाइक्स टू वेयर सिंपल आउटफिट्स. जिन्हें ज्यादा तामझाम करना नहीं पसंद है, उन्हें सिंपल तरीके से रहना पसंद है, देन यू कैन गो फॉर दिस कुर्ता सेट. क्वालिटी ऑफ द कुर्ता सेट इज वेरी नाइस. रेयॉन का फैब्रिक है, इट इज वेरी लाइट वेट एंड ब्रीथेबल. 512 रुपीज में मैंने ये कुर्ता सेट परचेज किया है. मीडियम साइज में मैंने इसे लिया है. इट इज वेरी ट्रू टू साइज, तो आप इसे अपने एक्चुअल साइज में ही लीजिएगा. और ये मैंने मीशो से परचेज किया है. फॉर द न्यूली वेड्स दिस पिंक कुर्ता सेट विद दुपट्टा इज अ परफेक्ट चॉइस. आपको इस तरीके का सिंपल सा ये प्लेन पिंक कलर का कुर्ता मिलता है. 3/4 इसमें स्लीव्स मिलती हैं और आपको इसकी स्लीव्स के एंड में इस तरीके की थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मिलती है. प्लस कुर्ते के एंड में भी आपको अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी इन्होंने दी हुई है. देन इस कुर्ते के साथ आपको मिलती हैं ये पैंट्स, फुली इलास्टिक वेस्ट बैंड आपको इन पैंट्स में मिलता है. देन आपको इन पैंट्स के एंड में इस तरीके की थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी भी दी हुई है. प्लस आपको कुर्ते और पैंट के साथ मिलता है ये फुल लेंथ का दुपट्टा. दुपट्टे के चारों तरफ आपको इस तरीके का व्हाइट कलर का बॉर्डर मिलेगा एंड देन आपको दुपट्टे के एंड में ऐसे व्हाइट कलर के टैसल्स भी मिलते हैं. कॉटन सिल्क कुर्ते और पैंट्स का फैब्रिक है और सिल्क फैब्रिक है दुपट्टे का. इस कुर्ते को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सेसराइज किया है क्योंकि इसका दुपट्टा जो है वो सिल्क का है, तो ऐसे फूला फूला सा रहता है और इसके साथ बहुत हैवी ज्वेलरी आप नहीं पहन पाओगे. एटलीस्ट मैं तो नहीं पहन पाती अगर मेरी शादी हुई होती तो. तो इस सूट को एक्सेसराइज करने के लिए मैंने ये सिल्वर कलर का नेक पीस ले लिया है और छोटे छोटे से इयररिंग्स ले लिए हैं. ये नेक पीस और इयररिंग्स का ना मुझे पूरा सेट मिला था और ये मैंने मीशो से ही परचेज किया था. मीशो की एक्सेसरीज बहुत अच्छी होती हैं, प्लस काफी अफोर्डेबल भी होती हैं. मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस इन्हें परचेज किया था, अभी तक चल रही हैं ये. टू कम्प्लीट द लुक मैंने ये हील्स पहनी है. ये हील्स मैंने परचेज की थी मिंत्रा से. ओवरऑल इट्स अ प्रिटी डिसेंट लुक फॉर अ न्यूली वेड गर्ल. प्लस दिस पिंक कलर इज परफेक्ट फॉर ब्रिंगिंग आउट दैट फ्रेश रेडियंट लुक. आप इसके प्राइस की बात कर लेते हैं. ये कुर्ता सेट मैंने परचेज किया है 816 रुपीज में. मीडियम साइज में मैंने इसे परचेज किया. मीडियम साइज मुझे बहुत अच्छे से फिट आ रहा है.
For those who love to make a statement with their ethnic wear, this kurta set is just the thing. ये मैंने परचेज किया है मिंत्रा से और इनवीव ब्रांड से मैंने इसे लिया है. इस कुर्ता सेट में आपको दो और कलर्स मिलेंगे, मस्टर्ड एंड ग्रे. मुझे ये ग्रीन कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था एंड इट वॉज गिविंग मी फुल फेस्टिव वाइब, तो मैंने इसीलिए इसे इस कलर में परचेज किया है. वी नेक का ये कुर्ता है, 3/4 इसके स्लीव्स है, बहुत ही फ्लोई कुर्ता है ये और आपको सिल्वर कलर का स्ट्राइप्ड पैटर्न इस पूरे कुर्ते में मिलता है. यही सेम स्ट्राइप्ड पैटर्न आपको इनके प्लाजो में भी मिलता है. पार्शली इलास्टिक वेस्ट बैंड आपको इनके प्लाजो में दिया हुआ है. इसके प्लाजो की लेंथ यूजुअल प्लाजो से काफी शॉर्ट है, तो मुझे ये चीज भी काफी अच्छी और यूनिक लग रही थी. मुझे इस तरीके के सूट बड़े पसंद है जिनके प्लाजो जो है वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं, एंकल से थोड़ा सा पहले खत्म हो जाते हैं. बस मुझे एक चीज लगी इस सूट के साथ, वो ये है कि मैंने इसे मीडियम साइज में परचेज किया है. कुर्ता तो मुझे बहुत अच्छे से फिट आ रहा है लेकिन प्लाजो थोड़ा सा टाइट है, तो मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा प्लाजो को पहनने के लिए. इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि या तो आप वन साइज अप जाएं, क्योंकि ये सूट ऐसा है जो जितना लूज हो उतना अच्छा लगेगा, उतना ट्रेंडी लगेगा. बट अगर आप अपने एक्चुअल साइज में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा प्लाजो को पहनने में. सो इफ यू आर ओके विद दैट तो अपने एक्चुअल साइज में आपसे जा सकते हैं, क्योंकि सूट जो है वो काफी प्यारा लग रहा है पहनकर. यू ऑल कैन सी इन द वीडियो. इस सूट को मैंने एक्सेसराइज किया है अपने इन हैवी ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स के साथ. ब्लैक बिंदी मेरी फेवरेट है. वन मोर थिंग गाइस, अगर आप चाहो तो ब्लैक बिंदी को स्किप करके दूसरी कलर की भी बिंदी लगा सकते हो. जैसे सूट के साथ आप अगर पिंक कलर की बिंदी पहनोगे तो वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन आई हैव सम ऑब्सेशन विद ब्लैक बिंदी, इसलिए मैंने सभी के साथ ब्लैक बिंदी पहन ली है. आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी यही सेम चीज करो, आप बिंदी चेंज कर सकते हो. देन टू कंप्लीट द लुक, मैंने इसके साथ ये पिंक कलर की बेलीज पहनी हुई है. ये बेलीज मैंने मिंत्रा से परचेज की है एंड क्वालिटी इन बेलीज की भी बहुत अच्छी है. प्लस ये इयररिंग्स मैंने मीशो से खरीदे हैं. एज यूजुअल जितने भी मेरे पास सिल्वर एक्सेसरीज है वो सारी मीशो से ही मैंने परचेज की है, तो ये लुक मुझे काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश लग रहा है. एंड दिस कुर्ता सेट इज डिजाइन फॉर गर्ल्स हु वांट टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड. और जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से सूट को स्टाइल करें जैसे मैंने इस वीडियो में किया है. आप इस सूट को पिंक कलर की बेलीज के बदले ऑफ वाइट कलर की बेलीज के साथ भी पहन सकते हो. ये ऑफ वाइट बेलीज के साथ भी अच्छा लगेगा. प्लस आप सिंपल सा चोकर डाल सकते हैं, बैंगल्स डाल सकते हैं और छोटे से इयररिंग्स पहन सकते हैं इस सूट के साथ. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से सूट को एक्सेसराइज करना है. ये मेरा तरीका है इन सभी कुर्ता सेट्स को एक्सेसराइज करने का. लास्ट वी हैव दिस अनारकली कुर्ता सेट. ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया है और ये कुर्ता सेट है सैंक्रिया ब्रांड से. दिस कुर्ता सेट इज परफेक्ट फॉर न्यूली मैरिड गर्ल्स. अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप इस तरीके का कुछ अनारकली सूट पहन सकते हैं. प्लस ये उन लड़कियों के लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट है जिन्हें थोड़ा सा ट्रेंडी और स्टाइलिश एथनिक वेयर पहनना पसंद है. आप इस तरीके का सूट पहन सकते हो फेस्टिव सीजन में. इस कुर्ते में आपको इस तरीके का वी नेक मिलता है और यहाँ पर पूरे में आपको नेक पर एम्ब्रॉयडरी दी हुई है सिल्वर कलर की. देन 3/4 इसके स्लीव्स हैं. कुर्ते में पूरे में आपको इस तरीके के सिल्वर कलर के फ्लावर प्रिंट्स मिलेंगे. देन इस कुर्ते के साथ आपको मिलता है प्लाजो. प्लाजो में आपको पार्शियली इलास्टिक वेस्ट बैंड दिया हुआ है और ड्रॉ स्ट्रिंग भी दी हुई है, तो आप बहुत आराम से कंफर्टेबली प्लाजो को पहन सकते हो. पूरे प्लाजो में भी आपको इस तरीके के सिल्वर कलर के फ्लावर प्रिंट्स मिलेंगे. इस कुर्ता सेट को एक्सेसराइज करने के लिए मैंने ये ऑक्सीडाइज चोकर लिया है. क्योंकि मैंने इसके साथ चोकर पहना हुआ है इसीलिए मैंने इयररिंग्स जो हैं वो बहुत ही लाइट वेट और छोटे से पहने हुए हैं. राधा कृष्ण जी इन इयररिंग्स में बने हुए हैं. ये इयररिंग्स भी मैंने मीशो से परचेज किए हैं. इन केस अगर आप चोकर नहीं पहन रहे हो या नेक पीस नहीं पहन रहे हो इस कुर्ते के साथ, तो आप हैवी इयररिंग्स पहन सकते हो एंड बैंगल्स भी पहन सकते हो इस सूट के साथ. देन मैंने ये ऑक्सीडाइज्ड रिंग भी पहनी है. ये रिंग भी मैंने मीशो से ही परचेज की थी. देन फॉर अ चेंज मैंने इस सूट के साथ ये पिंक बिंदी लगा ली है. इस सूट का जो कलर है वो है डार्क टील कलर. तो ग्रीन कलर, टील कलर, डार्क टील कलर के साथ अगर आपको कॉन्ट्रास्टिंग एक्सेसरीज पहननी है तो उसमें आप पिंक कलर की एक्सेसरीज पहन सकते हो, क्योंकि इसका ग्रीन का और पिंक का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. इसीलिए मैंने ये पिंक बिंदी भी लगाई है. आप चाहो तो पिंक बैंगल्स भी पहन सकते हो इस सूट के साथ. पिंक बैंगल्स भी काफी अच्छी लगेंगी. और फुटवेयर के लिए मैं अपनी ये हील्स पहनूंगी जो मैं मोस्टली हर एथनिक वेयर के साथ पहनती हूँ, और ये हील्स भी मैंने मिंत्रा से ही परचेज की हैं. तो ये कंप्लीट लुक मुझे फुल फेस्टिव वाइब दे रहा है एंड आई थिंक आई एम ऑल सेट टू रॉक द फेस्टिव सीजन दिस ईयर. अब इस सूट की प्राइस की बात कर लेते हैं. ये मैंने परचेज किया है 1452 रुपीज का. मीडियम साइज में मैंने इसे परचेज किया है. मीडियम साइज मुझे बहुत अच्छे से फिट आ रहा है.
प्लस द क्वालिटी ऑफ द सूट इज माइंड ब्लोइंग. जॉर्जेट का फैब्रिक है इसका एंड आई हाईली रिकमेंड दिस सूट टू एवरी वन आउट देयर. सो दैट्स ऑल फॉर मिंत्रा एंड मीशो हॉल. आई होप जो मैंने आपको फेस्टिव वेयर कुर्ता सेट का कलेक्शन इस वीडियो में दिखाया है वो पसंद आया हो, जो स्टाइलिंग टिप्स मैंने आपको दी हैं वो हेल्पफुल लगी हो. अब मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रियंका नेगी. इट वुड मीन अ लॉट टू मी. आप बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं सो दैट जब भी मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो डालूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव.